इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। नीचे लिखा हुआ है 7 बजे के बाद मुनि बसतिका में श्राविकाएं नहीं जाएंगी। आरिका बसतिका में श्रावक नहीं जाएंगे, और रात को भी जाएंगे तो कितने बजे जाएंगे? 8 बजे, 8:30 बजे के बाद, ताकि वो जो घंटे सवा घंटे का उनका धर्म ध्यान जाप माला ध्यान श्यामायक वो तो अच्छे से हो। अपने आप को परफेक्ट बनाने का एक तरीका है, सहनशीलता बढ़ाने का तरीका है ये सामायिक। हमारी क्षमता कितनी बढ़ गई। अब प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ जाएं तो भी नहीं डिगें सज्जनों। अनाद्यनंत मचलम स्वसंविद्धो मिदस्फुटम जीवः स्वयं तु चैतन्यो मुच्चैश्चक्षकायते। अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, अचल है और स्वसंविद्ध है। अपना अनुभव कैसे आता है बोलो युवाओं? देह का अनुभव तो सबको आता है, शरीर हूँ मैं, ऐसा हूँ, मेरी कंघी ऐसी है, मेरे शरीर ऐसा है, मेरी बॉडी ऐसी है। लेकिन वास्तव में ये तो संरचना हो गई बॉडी की। स्वसंविद्ध तो मेरा चैतन्य आत्मा है, ज्ञान दर्शन आनंद, ज्ञान आनंद स्वरूपो हम। जीव जो है स्वयं चैतन्यमय है, चकचकायते अतिशय रूप से शोभायमान होता है। यानी मंदिर जी का, भगवान जी का अतिशय आपको समझ में आता है, बोले तिजारा में तो चंदा बाबा का क्या चमत्कार है, पदमपुरा में पदम प्रभु भगवान का, महावीर जी में महावीर भगवान का, श्रवण वेलगोल में बाहुबली भगवान, कुंडलपुर में बड़े बाबा, और कितने सारे जिनालय इससे फेमस हैं उन तीर्थंकर जिन प्रतिमाओं के अतिशयों से। संभव है कि कोई देवता और प्रभु की और जिन मुद्रा के निमित्त से जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, या केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि ये ग्रंथ है उसमें भी कुछ ऐसे आइडिया दिए हुए, उस तरह की मेहनत की जाए, उस तरह की विद्या सीख ली जाए, तो यहाँ बैठे बैठे भी कागज पर खाका खींच के बताया जा सकता है कि आपको कहाँ दर्द है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या खा के आए हैं, कहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने की संभावना है। होता है इस तरह की विद्याएं, अगर ये विद्याएं महात लग जाएं तो जैसे वहां मंडप में भीड़ लगती है ना, ऐसे तुम्हारे घर में लगने लग जाए। आप में से कोई सोच सकता है महाराज जी आप भी ऐसा करो ना, हैं? भाई हर चीज की एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति की कुछ समस्याएं होती हैं और हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। जहां बहुत भीड़ लगती है कई बार देखिए वहां कितने सारे लोग भीड़ के हड़दंग में ही मारे जाते हैं, तब कहां गए वो जादू मंत्र सब। बाबा जी तो पिछले रास्ते से गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे, हालत खराब किसकी होगी? जनता की। तब फिर क्या हुआ? तो इस टाइप की जो व्यवस्था है जिसके लिए जैन धर्म में बहुत ज्यादा आश्रय नहीं दिया गया, इसमें तो ये कहा कि आप खुद को निखारिए,
थोड़े दिनों के लिए आपको बाहर की व्यवस्थाएं मिल जाएं, खाने पीने का प्रबंध हो जाए, केवल एक पर्याय के लायक व्यवस्था बैठ जाए, जादू मंत्र से सब कुछ संभव है। लेकिन अगर जन्म जन्म के लिखी सुखी होना है तो निज चैतन्य आत्मा को पहचानिए, खुद अपने सुख स्वभाव को पहचानिए, तो फिर किसी दूसरे से मांगने की और किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो ज्ञान का भंडार है, वैसे तुम्हारा आत्मा भी तो ज्ञान का भंडार है। तुम क्यों नहीं अपनी शक्तियां प्रकट करते हो? वर्णादयी सहितस तथा विरहितो द्विधास्त जीवो यतो ना मूर्तत्वमुपाश्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकै समुचितं न व्याप्यति व्यापिवा व्यक्तं व्यञ्जित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यताम्। जीव को पहचानना है, जीव को पकड़ना है, अपने चैतन्य स्वभाव को समझना है तो चेतना का ही अनुसरण करो, चेतना को ही पकड़ो। अमूर्त स्वभाव जीव का लक्षण नहीं बन सकता है, क्योंकि अमूर्त स्वभाव वाले तो और भी चार द्रव्य हैं, है कि नहीं? अमूर्त कौन कौन है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, वो भी तो अमूर्त हैं। अमूर्त भी हैं और अजीव भी हैं। जीव अमूर्त है लेकिन अजीव नहीं है, चेतन है। अच्छा, राग द्वेष आदि को जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे अमूर्त में अति व्याप्ति दोष आता है, वैसे ही रागादि भाव वाला जीव कहेंगे तो अव्याप्ति दोष आता है। सभी में राग द्वेष होते हैं क्या? आप कहोगे हमें तो सब में राग द्वेष दिखते हैं। भाई, जो जो लोग आपको दिख रहे हैं उन सबों में राग द्वेष दिख रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे भी तो लोग होंगे कि जिनका राग द्वेष कम हो गया। मुनिराज को देख लो, तो कोई ऐसे साधक मिल जाएंगे कि वो इतने वितराग भाव वाले हैं कि किसी भी घटना दुर्घटना घटो शांत बने रहते हैं। अच्छा, अगर हम आगे की बात करें तो बहुत सारे सिद्ध भगवान हैं जो राग से रहे थे। तो राग को हम जीव का लक्षण नहीं बना सकते। जड़ता को जीव का लक्षण बना लो, बन जाएगा क्या? बोलो माताओं, जड़ स्वभाव जीव का है क्या? जीव का स्वभाव जड़ नहीं है, क्या है फिर? चेतन है। जड़ स्वभाव जीव का कहेंगे तो असंभव दोष आता है। लक्षण के जो अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष हैं, वो टालेंगे तो सही लक्षण कहलाएगा। इसलिए जो चैतन्य से चमत्कार वाला है वह ही जीव है, वह मैं हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, जीवाद जीव मिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमूल संतम, अज्ञानिनो निर्वधि प्रविजृंभितेयम्, मोहस्तु तत्कथमहोबत नानतीति। आचार्य श्री खेद करते हैं, वो कह रहे हैं कि जीव का लक्षण अलग है, अजीव का लक्षण अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, ऐसा कौन अनुभव करता है? आप अनुभव करते ही नहीं करते? करो कभी कभी। आप ऐसे ध्यान में सामायिक में बैठे, कभी आपको ऐसा फील होगा कि चेतन चेतन मात्र में और देह देह भिन्न, रंग रूप आदि जड़ द्रव्य हैं, कभी ऐसा अनुभव में आता है। ध्यान सामायिक में बैठे बैठे कभी ऐसे लगता है जैसे ऊपर उठ रहे हो, कभी ऐसे लगता है जैसे एकदम से एक तरंग छूट जाती है, उपयोग जैसे अच्छे से अच्छा लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे क्या बोलते हैं, एक तरह की स्फुरंग। चेतना की भिन्नता, जड़ की भिन्नता, जब दोनों को ज्ञानी अनुभव करते हैं तो ये अज्ञानियों का कैसा मोह फैला हुआ है,
अहो आश्चर्य की बात है कि मोह के बस हो करके ये तत्व निर्णय किए बिना ये संसारी जन व्यर्थ में नाच रहे हैं। सब इसी का तो खेल है, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, उठा पटक, अपना पराया, इसी का ही तो भेद है। अगर ये समझ में आ जाए कि ये भी चेतन है, ये भी जीव है, तो जब तक रहना है अच्छे से रहो, मिलके रहो, सम्मान के साथ रहो। अस्मिन् ननादिनि महत्त विवेक नाट्ये वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति रयम च जीवा। जीव कैसा है? चैतन्य धातु। कौन सी धातु? आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी धातु है बताइए, कौन सी धातु पसंद है आपको? लोहा किस किस को पसंद है? पसंद किसी को नहीं है, लेकिन सबके घर में सबसे ज्यादा कौन सी धातु लगी हुई है? लोहा लगा हुआ। पीतल किस किस को पसंद है? किसी को पसंद नहीं। स्टील किस किस को पसंद है? स्टील भी पसंद नहीं। लेकिन बर्तन किस चीज के हैं? थोड़ा और हुआ तो पीतल के, तांबे के। तांबा किस किस को पसंद है? अच्छा, सोना किस किस को पसंद है? अब भी कोई हाथ नहीं उठा रहा। अब बोले कि अब इतने में हाथ नहीं उठाया है, अब उठाएंगे तो महाराज जी क्या सोचेंगे। अच्छा, महाराज जी देने वाले हो तो हाथ उठाओ भी, देने वाले भी नहीं है, फिजूल में फजीती हो जाएगी। देखिए लोभी आदमी, इसको सोना पसंद है। भाई संसार में कोई सोना पसंद करता है, कोई चांदी पसंद करता है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली हो तो जैन जिन ओ निज चैतन्य धातु को पसंद कर। ये जड़ धातुएं हैं, मैं किस धातु से रचा गया? घर जो है लोहे के सलिए वगैरह से रचा गया है, बर्तन जो है वो स्टील तांबा पीतल से रचे गए हैं, और मेरी जो हाथ में वो है क्या बोलते उसको, ब्रेसलेट, और गले में जो है वो बेचैन, वो किससे बनी हुई है? सोने से बनी हुई है। जब इस धातु से रचे गए हैं और देह भी रचा गया है, पुद्गल से रचा गया है, मैं किससे रचा गया हूं? चैतन्य धातु मैं मूर्ति रयम च जीवा, चैतन्य धातु मात्र से रचा गया हूं। उस तरह की दृष्टि बनाई। ये धातु का नाम तो पहली बार सुना, बोले ये भी कोई धातु है? ये धातु नहीं है, लेकिन चैतन्य चमत्कार स्वरूप ज्ञान दर्शन गुण वाला आत्मा वह ही चैतन्य धातु कहलाता है। इत्थम ज्ञाना कृकच कलनात् पाटनम नाटित्वा जीवा जीवौ स्फुट विघटन नैव यावत् प्रयातः विश्वम व्याप्य प्रसव विकसत व्यक्त चिन्ह मात्र सत्या ज्ञात्री द्रव्यम स्वयमति रसात् ताओ दुच्चकाशे। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन संस्कृत के कलश जो है ना, सच में अमृत कलश है। जिनको जरा सा संस्कृत का अभ्यास हो, वो संस्कृत के इन कलशों को पढ़ें, अनुवाद को समझें। बहुत गजब की बात कही है, गाथा अगर हीरा है तो एक कलश भी हीरा से कम नहीं है। इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि भेद ज्ञान जो है ना, भेद ज्ञान रूपी आरे को चलाने का बराबर अभ्यास करो। आप सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सुनना ही दुर्लभ है। कुछ धंधे व्यापार की तो बात बताते नहीं है, कोई हंसने मुस्कुराने वाला चुटकुला तो सुनाते नहीं है, बस भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान करना तो पड़ेगा। कौन सा आरा चलाना है? ज्ञान रूपी आरे को चलाओ, उसको चलाकर जीव और अजीव दोनों रूप से, दोनों स्पष्ट रूप से पृथक पृथक हो जाएंगे।
ये ज्ञाता द्रव्य में और यह बाकी सब जड़। ऐसे चैतन्य शक्ति से अपने आप को अतिशय से प्रकट करता हुआ निज आत्मा, इसी का आश्रय करना है। क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों का आश्रय नहीं करना है, वासना का आश्रय करना इस युग में बहुत सरल हो गया। अच्छे अच्छे लोग शील संयम को भूल गए। जिनके संस्कार अच्छे हैं, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है, ऐसे थोड़े ही जीव हैं जो मार्ग पर लगे हों, कि शील संयम की भी महिमा समझते हों, वरना खेल हो गया आजकल हर चीज का। और उसमें कितना विकारी भाव बढ़ रहा है, कितना आत्मा का पतन हो रहा है, नरक में भी जगह। हाँ, कभी कभी तो बोल ही देते हैं कि भाई ऐसा करते हो तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सारी गलतियां हो गई तो ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये विकारी भाव ना बढ़े, निर्विकार स्वरूप की दृष्टि बने, और निर्विकारी वीतरागी जिन ईश्वर के चरणों में रहें, निर्विकारता जीवन का सूत्र बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्र गर्ड सिद्धार्थ एवं आरफ, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।